और क्या हालचाल है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, बजरंगबली की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस हफ्ते जो दो त्यौहार आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका करवा चौथ और दूसरा त्यौहार आ रहा है आपका वही अष्टमी। तो दोस्तों, करवा चौथ 13 अक्टूबर को पड़ रहा है और हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थ तिथि को ये करवा चौथ हर साल मनाया जाता है। यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए औरतें यह व्रत अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए करते हैं। समझ रहे हो आप, औरतों का व्रत होता है, आदमियों का नहीं होता। दादी मैं चौथ का बयान नहीं बेटा, छोटे बच्चे चौथ का व्रत नहीं करते हैं, छोटे बच्चे नहीं करते हैं चौथ का व्रत। ये बेटा मैं और क्या बोल रहा हूँ, वीडियो में आपने देखा नहीं, छोटे बच्चे तो चौथ का व्रत नहीं करते। उस दिन खाली पेट रहना पड़ता है, आपको भूख लगी आएगी, आप छोटे बच्चे नहीं करते, ठीक है। बड़ी 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 जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो करती है बेटा, समझ में आया बात, ठीक है ना। तो दादी तुम्हारे केक तो खा सकती हूँ। बेटा व्रत में कुछ नहीं खा सकते, पानी भी नहीं पी सकते, करवा चौथ का व्रत छोटे बच्चे करते नहीं। आप तो खाओ पियो मजे करो घूमो फिरो, छोटे बच्चे नहीं करते व्रत, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैं आपको समझा रहा था कि ये औरतों का व्रत होता है, लेडीजों का, और वो भी शादीशुदा लेडीज जो अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं, और छोटे बच्चों का व्रत नहीं होता। ये कई छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, नहीं वो नहीं होता, ये सब शादीशुदा औरतों का व्रत होता है जो कि पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। और इस व्रत को द्वापर युग से लेके कलयुग तक ये व्रत उतनी आस्था से मनाया जाता है, विश्वास से मनाया जाता है, जैसे कि द्वापर युग में मनाया जाता था। ये करवा चौथ, ये करवा माता होती है उसका ये व्रत होता है, और ये लेडीजों का ही त्यौहार होता है। इसमें औरतें सुबह से अपने नहा धो के अपने करवा माता की पूजा करती हैं, पूरे दिन पानी भी नहीं पीती, शाम को जब चांद दिखता है उसके बाद में ये व्रत खोला जाता है। उसके बाद दूसरा व्रत आता है ओई अष्टमी, ये भी एक विशेष व्रत होता है। ये भी माँ माँ होती है, जो बच्चों की माँ होती है उनके द्वारा ये व्रत मनाया जाता है। पापा मैं अभी कहूंगी हो गया अरे बेटा अभी तुम्हें नहीं समझा, बेटा छोटे बच्चे नहीं करते हैं ये, तो जो माँ होती है वो करती है व्रत। जो आपकी मम्मा होती होगी ना, मम्मा आपकी मम्मा करेगी व्रत, उस व्रत में भी बहुत कुछ खाया कुछ नहीं जाता बेटा, आप भूखे कैसे रहोगी। आपको तो केक चाहिए, बिस्कुट चाहिए चाहिए ना, फिर आप भूखे कैसे रहोगे, नहीं रह सकते ना। वो ये व्रत में कैसे भूखे रहोगे, हैं बताओ। पापा तो मुझे केक तो खा अरे बेटा ये बार बार में केक क्यों उठा रही है, व्रत में केक नहीं खा सकते। ये केक होते हैं, केक में बेटा ये केक होते हैं, इसमें कई बोलते हैं आटे का बनता है, कई बोलते हैं इसमें अंडा भी मिक्स होता है। तो ये केक होते हैं बेटा, ये केक होते हैं, ये केक बच्चे खाते हैं, ठीक है। नॉन वेज वेज सब इसमें मिक्स रहता है बेटा, और कई शुद्ध आते हैं कई अशुद्ध आते हैं, ये सही है केक है। ये बच्चे व्रत कर ही नहीं सकते, ये व्रत बच्चे नहीं करते। जितने भी व्रत होते हैं वो सब बड़े करते हैं, जैसे करवा चौथ ओ अष्टमी हो गई, ये आपका लक्ष्मी जी का व्रत हो गया, दीपावली व्रत हो गया, धनतेरस व्रत हो गया, ये सब बड़े लोग करते हैं, छोटे बच्चे कुछ नहीं करते। छोटे बच्चे तो अपने खाओ पियो घूमो कूदो नाचा गगाई बदमाशी ये करते रहो, पढ़ाई करो, समझ रहे हो। छोटे बच्चे व्रत नहीं करते, व्रत में कुछ खाया नहीं जाता है। तुम तो व्रत कर रही हो केक खा रही हो, व्रत कर रही हो केक खा रही हो, ठीक है ना। आगे से ध्यान रखना, छोटे बच्चे व्रत नहीं करते। सबको बताओ, सबको बता दो वीडियो में, बताओ बताओ छोटे बच्चे व्रत व्रत नहीं करते। नहीं करते सब बड़े आदमी बड़ी औरतें करते हैं ना, सब बड़े करते हैं व्रत, है ना। सब भाई लोग करते हैं, इसलिए सबको बोलो कि कोई छोटा बच्चा व्रत नहीं करेगा, कोई छोटा बच्चा व्रत नहीं करेगा। शाबाश, देखा नहीं ना, समझ गई दोस्तों, आप भी समझ जाओ। तो दूसरे व्रत की बात कर रहे थे ओ अष्टमी, जो कि 17 अक्टूबर को
पड़ेगा। वही अष्टमी वही माता की पूजा होती है उस दिन, और बच्चों की लंबी उम्र के लिए अब ये व्रत रखा जाता है, और रात में चंद्रमा देख के ही ये व्रत खोला जाता है, और ये माँ व्रत रखती है अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए। तो दोस्तों इस हफ्ते दो व्रत पढ़ रहे हैं, दोनों लेडीजों के व्रत हैं। तो मैं जेंट्स, जो जेंट्स लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि जाओ अपने लेडीजों को घुमाओ, मार्केट में खरीदारी उदारी करवाओ, करवा चौथ है और वही अष्टमी व्रत है, और निकलो मार्केट में कुछ ख़रीदारी करवाओ, जो लेडीजों के आइटम होते हैं खरीदने के जो करवा चौथ में यूज होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को क्या करें, लाइक करें नैना बोल रही, और सब्सक्राइब भी करें, और शेयर करें, और कमेंट्स करें, और कमेंट्स करके बताएं नैना सही कह रही है ना, व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों को व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब भी बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जब ही नैना खुश होगी, जब भी खुश होगी बेटा, है ना, है ना, जब भी बाप बेटी की खुशी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने से, है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।